बहुत बड़ी मुसीबत में अपने आप को पा रहे, क्या वहां से संभाला जा सकता है? दूसरे टाइम पे एग्जीक्यूटिव मानो बहुत बड़े मुसीबत में अपने आप को पाएंगे। दो टाइम पे, सॉरी एक टाइम पे, दो जगहों पे फाइट यहां पे चलता हुआ। जोनाथन फिलहाल सेंसे की तरफ बढ़ रहे, क्या इरादे हैं इनके? बड़ा सवाल। वेल लग रहा, बात करेंगे टीम एक्सपार्क की। मवी के ऊपर एक ग्रेनेड आएगा, जस्टिन के द्वारा एक ग्रेनेड कनेक्ट भी हो जाएगा, तो बेहतरीन शुरुआत है जोनाथन मोलोटोव से। यहां पर फिलहाल के लिए सेंसी को फिनिश ऑफ करने वाले हैं। लुक्स लाइक एक्सपार्क की टीम भी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। क्लच गॉड मुक्केबाजी चालू, बुलेट्स वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए यहां पर मुक्के रिंग टेकन डाउन। टीएसएम अच्छा खासा शुरुआत देखने का मौका मिला, बट एक्सो की टीम अभी तक पूरी की पूरी एलिमिनेट नहीं हुई है। पंख अभी बचे हुए, ग्रेनेड कुक किया जा रहा है। नियो, गिल, जोनाथन तीनों फिलहाल के लिए चार्ज करने के लिए तैयार, बट जोन शिफ्ट हो चुका है पोचिंग के ऊपर। सो यस, हम पोचिंग के सिल के ऊपर जरूर प्रेडिक्शन लगाना चाहेंगे कि यहां पर शायद फाइट देखने का मौका मिले। नियो आगे आते हैं, काफी आसानी से मिल सकते हैं, बट टॉप डॉग को आप देखिए पीछे से आ रहे हैं। गिल को क्या वो सरप्राइज करेगा? अच्छी बात है, यहां पे आप फाइनली रिवाइव हो चुके हैं, हेल्थ रिकवर करने का वो टाइम चाहेंगे जो कि उन्हें मिल गया, और अब वापस टीम गॉडलाइक फोर मैन स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और आज काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो फ्लैंक्स बैक टू बैक हम देख पा रहे हैं, ये कहने के उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, बट गॉडलाइक यहाँ पे बात करें जोनाथन एक एक को बाहर कर देंगे काफी आसानी से, लेकिन नियो दूसरी तरफ ट्रिगर को भी नॉक आउट करेंगे। तो चलिए, ये जो तालमेल आज देखने को मिल रहा है ये कल तक शायद नहीं था, बट आज एक कमाल का तालमेल टीम गॉडलाइक के बीच में। सात फिनिशर निकाल चुका, मुझे लगता है जो पिछले मैच की कमी थी फिनिशर्स को लेके वो इस मैच में शायद पूरे करने का फैसला किया गया। जोनाथन का ग्रेनेड टॉप डॉग को भी टेक डाउन करेगा, वापस से एक और ग्रेनेड यहां पे पिन आउट करेंगे। कितने ग्रेनेड है जोनाथन के पास, और बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करते चले जा रहे अपने अपोनेंट की तरफ। इसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे गॉडलाइक की, लाइक देखिए उनके पास एक मौका रहेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके डोमिनेट कर पाए, बट रेवेनेंट के इन्फर्नो फिलहाल के लिए इनके सामने रहेंगे, लेकिन नॉकआउट किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। जोनाथन बेहतरीन कवर फायर प्रोवाइड करेंगे, इसी के साथ साथ आठवां फिनिश पॉइंट इनके नाम आ जाएगा जरूर। रेवेनेंट अभी भी बैकफुट पे है, ग्रेनेड्स आ रहे हैं जरूर, गिल चार्ज करने के लिए तैयार है, एंड देखिए एचपी एक प्लेयर की बहुत कम है, ऑलरेडी ब्लीड आउट हो रहे हैं, एंड इसके साथ साथ फाइनल प्लेयर बचते हुए नजर आएंगे। एनकोर को भी लो किया गया है, एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था, योर I mean, this is just... गाड़ी मत चलाइए, गन भी चलाइए, बट गाड़ियों से ही यहाँ पे फैसले किए। सूर्या को भी यहाँ पे व्हीकल से ही यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे चल रहे हैं यहाँ पे एकेडमी लाइनअप, ये मुझे लग रहा है कि शायद आपकी बात सच हो सकती है, बट वीरू गिर गए वहां पे अपने व्हीकल से, और जोनाथन ने ही उन्हें गिराया व्हीकल से जानबूझ के कि आप जंप करिए, वरना व्हीकल के साथ आप ब्लास्ट हुई। तो वीरू ने गिरना पसंद किया, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद जोनाथन ने उन्हें फिनिश ऑफ भी कर दिया। बट कितने फिनिश पॉइंट्स आए वीरू के नाम, लाइक वीरू आई थिंक एटलीस्ट दो फिनिश पॉइंट्स उनके नाम आए होंगे। मैंने एक नॉकआउट निकाला था, एक फिनिश पॉइंट यू नो ऑलरेडी नॉकआउट का निकाला गया था, बट ग्रेनेड जा रहे फिलहाल जोनाथन के ऊपर, ग्रेनेड टॉस आउट किया गया, बट ग्रेनेड रिटर्न में जो आएगा जोनाथन के द्वारा डैमेज जरूर पाएंगे यहां पर। एस पावर फिलहाल के लिए AK-47 फ्रैग रॉनी के साथ बचते रह जाएगा जोनाथन, he makes it happen once again। दोबारा से यहां पर एक 1v2 सिक्योर कर जाएंगे गॉडलाइक, दे आर प्लेइंग ऑन अ गॉडलाइक लेवल। 14 फिनिश पॉइंट्स उनके पास आ चुके हैं, 15 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए। दिस माइट बी 35-40 बंबर कमिंग इन अगर गॉडलाइक ऐसी फॉर्म के साथ साथ आगे बढ़ती रही। 1v3 कर दिया गया एकेडमी लाइनअप को, ये भी आप देखिए पहले वीरू को एलिमिनेट किए, देन एस पावर को, और उसके बाद आखिरी प्लेयर स्पॉइलर का काम कर सकते हैं, बट आई थिंक गॉडलाइक इतनी स्मार्ट तो है कि वो जरूर एक खिलाड़ी को छोड़ देंगे, यू नो बस उस वेयर हाउस के, इस बार हाउस को कंट्रोल रखने के लिए, बट गॉडलाइक सर्कल उनके पास है। ओवरऑल फिनिश पॉइंट्स की बात करेंगे, गॉडलाइक ने आज लिटरली धागा खोल के रख दिया है। क्लच गॉड एंड गिल एक पॉइंट पे है, जोनाथन कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जो चौथे साथी है वो भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में नजर आते हुए हमें देखेंगे। नियो जो इंतजार कर रहे हैं पुकार के ऊपर, फिलहाल गिल ऑलरेडी निशाना लगा करके बैठे हुए। स्काईलाइट गेमिंग 3 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव, जोनाथन का ग्रेनेड आने वाला है, 10वां फिनिश, ये 11वां भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, 13वां भी हो सकता है, कैसे कर पाते हैं ये जोनाथन, he is just unstoppable। गाड़ी के ऊपर स्प्रे लिया जाएगा, इसी के साथ साथ न्यू प्लेयर जो है अपना पोजीशन सिक्योर कर जाएंगे, बट इमीडिएटली हाउ मेनी ग्रेनेड्स डज दिस मैन हैव, बिकॉज वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक और ग्रेनेड आएगा जरूर। एनिग्मा रेक्स के बीच में न्यू फिनिश ऑफ कर जाते हैं, 22 फिनिश पॉइंट्स ओवरऑल, 11 फॉर जोनाथन। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेनेड थ्रो करे तो या तो वो डैमेज दे रहा है या तो वो नॉक कर रहा है, और उसके बाद जो बची कुची काम है वो एसॉल्ट के साथ भी करके चले जा रहे हैं। वेस्ट के साथ बात की जाए तो हेलमेट काफी ज्यादा, हेलमेट इनफैक्ट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, 22 ऑफ फिनिश जरूर से, लेकिन गिल को क्या रिवाइव वापस मिल सकता है? दो टीम के बीच में मुकाबला फिलहाल बच के रख चुका है, स्काईलाइट इनके सामने रहने वाले हैं, और अगर ये चिकन डिनर निकाला गया तो पॉइंट्स टेबल में मानो एक बहुत बड़ी उछाल की तैयारी पे यहाँ पे रहेंगे, एग्जैक्टली वो निकाला जाएगा टीम गॉडलाइक, विनर विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे। पिछले मैच में जो